तो यूपी मांगे उत्तर में आज हम गठबंधन की बात करने जा रहे हैं। गठबंधन में जो तकरार हो रही है, जो संकेत मिल नहीं रहे कि गठबंधन हो पाएगा नहीं, पहले उस पर एक रिपोर्ट, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। बैठकों का दौर हो रहा है लेकिन बेनतीजा, बातों का दौर भी जारी है लेकिन बेनतीजा। न सीटें फाइनल हो रही हैं, न गठबंधन फिक्स हो रहा है। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात नहीं बन पा रही। कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के हिसाब से समझौता नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपने हिसाब से सीटें दी लेकिन कांग्रेस खुद के हिसाब से सीटें तय करने पर अड़ी है। अब सीटों को लेकर दोनों के बीच सिर्फ फुटबॉल की बातें सामने आने लगी हैं। सपा की ओर से बिना बातचीत उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस कह रही है कि सीट समझौता नहीं हुआ तो लिस्ट जारी करने की जल्दबाजी क्यों? लेकिन कई राउंड बात हुई है जिम्मेदारों के बीच में। देखिए, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, हमने कोई सीट अनाउंस नहीं की। अब वो सीट किसने अनाउंस की है, कैसे अनाउंस की है, तो किसने अनाउंस की, ये सवाल तो उनसे बनता है ना। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात नहीं बन रही, इसे लेकर समाजवादी पार्टी सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। उनकी यात्राएं चल रही हैं, उनकी आंतरिक गुटबाजियां चल रही हैं, उनकी आंतरिक रणनीतियां अभी तक पूरी तरह से परिपक्वता के साथ निर्धारित नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को गंभीरता से पहले यह तय करना होगा कि आगामी चुनाव के लिए उसे उसके प्रत्याशियों के भविष्य को लेकर के कोई रणनीति बनानी है। दोनों ही दल विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है लेकिन यूपी में सीट पर तालमेल न होने से गठबंधन में गांठ की तस्वीर नजर आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे, जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है, अखिलेश का ऑफर इंडिया में गदर, या इंडिया गठबंधन में गदर, क्योंकि ऑफर दे दिया उन्होंने, जिसको लेना ले लीजिए, इतनी इतनी ये सीटें अभी बात आ रही है। क्या कांग्रेस को 11 सीट कबूल है? अभी तक कांग्रेस ने कहा कि कबूल है। इंडिया गठबंधन में लड़ाई अभी बाकी है। प्लान अखिलेश पर मचा क्लेश और अखिलेश का फॉर्मूला 11, कांग्रेस में टेंशन। ये बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या गठबंधन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उधर RLD भी कह रही है कि भैया कैराना सीट का हमें दीजिए, तो इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें करेंगे हम। हमारे साथ खास खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। आलोक वर्मा BJP की तरफ से, आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक पांडे सपा की तरफ से, विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल है रालोद की तरफ से, रोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए, राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गई है, प्रियंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। मैम, गठबंधन हो पाएगा सपा के साथ या नहीं? नहीं, मुझे तो लग रहा है गठबंधन से गठबंधन की ज्यादा चिंता मुझे लग रहा है कि अब लोगों को हो चुकी है और बीजेपी को हो चुकी है। मुझे लगता है कि जहां जहां से राहुल जी की यात्रा गुजरती है वहां वहां की सरकारें हिलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लगातार करती चली जा रही है, पर उस पर चर्चा होगी नहीं। गांव गरीब किसान और जो नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हमारा गठबंधन मजबूत है, गठबंधन होगा, उसकी तो तस्वीर बता दीजिए ना। अरे आप बताइए ना, क्या हो रहा है गठबंधन में? आप सवाल पूछिए, हम जवाब दे देते हैं। यही तो कह रहे हैं, 11 सीट कबूल है, 11 सीट कबूल है, समझाएंगे गठबंधन में क्या हो रहा है। 11 सीट कबूल है कांग्रेस को यूपी में? अरे कौन कह रहा है 11 सीट की बात, जब उनका ट्वीट आपने पढ़ा है? ये गठबंधन की सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो चर्चा हो रही है उसको लेकर 11 सीट से शुरुआत हो गई है। अब इसके आगे अब आपको क्या समझ में आए ना आए, अब देखिए जनता के मुद्दों को कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है। मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी की यह जिम्मेदारी बनती है कि जनता के मुद्दों पर बात की जाए। जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह से ED CBI और IT डिपार्टमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्शन कमीशन। अरे मैडम, जब गठबंधन होगा तभी तो लड़ पाएंगे, आप टक्कर दे पाएंगे। यूपी में तो आप दे नहीं पाएंगे इनको, आप बताइए ना, यूपी में अकेले दम पे लड़ लेंगे आप चुनाव? नहीं, आप BJP को हरा पाएंगे अकेले दम पे? नहीं नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे क्या? अरे मैडम, मैं तो लिख के दे दूंगा, आप हरा ही नहीं पाएंगे। अरे मैं आपको ग्राउंड रियलिटी से अवगत करा रहा हूँ। मैं स्टूडियो में बैठने वाला एंकर नहीं हूँ, मैं 50,000 किलोमीटर चलने वाला एंकर हूँ। यूपी में घूम घूम के आया हूँ इलेक्शन में, और आपका हश्र आपने विधानसभा चुनाव में देख लिया होगा। ये तो स्टूडियो वालों ने कोट पैंट पहना दिया मुझे, मैं तो ग्राउंड पे काम करता हूँ मैडम, तभी तो आपकी बता रहा हूँ रियलिटी। सवाल तो पूछिए, आप सवाल पूछ नहीं रहे। मैं तो पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस का संगठन है, वो अकेले सपा यूपी में टक्कर को दे देगा आपको बिना सपा?
नहीं नहीं आपने कभी पूछा भारतीय जनता पार्टी कितने कैंडिडेट उतारेगी? क्या बनारस को छोड़कर उनके पास कोई ऐसी सीट है जिस पर वो कैंडिडेट रिपीट करेंगे? सवाल नहीं पूछेंगे आप, सवाल नहीं पूछेंगे कि उनके गठबंधन के लोग आपस में आप मैं तो गठबंधन की जो दुहाई दे रहे मैं उस पे बात कर रहा हूँ ना मैम। क्या कहा और उन्होंने नीतीश जी को क्या कहा? सवाल नहीं पूछेंगे कि राजभर ने, चलिए विवेक जी से सवाल पूछ लेते हैं। विवेक पांडे जी, आप 11 से ज्यादा सीटें देंगे कांग्रेस को? देखिए शर्मा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। गठबंधन पे अभी आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा। अभी हमने पहले 16 उम्मीदवारों की ही लिस्ट जारी की है और वो 16 उम्मीदवारों की लिस्ट पीडीए है। और मैं तो ये कहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में 16 लोकसभा की सीटें ही बची हैं क्या? कि हमने सारे प्रत्याशी उतार दिए और गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, क्या एनडीए ने 16 में 6 भी उतारे? अभी तक 6 भी घोषित किए हैं एनडीए के, 6 गठबंधन की बात हो रही थी। गठबंधन का तो मुझे नहीं पता एनडीए के, लेकिन हाँ गठबंधन की आड़ में बलिया में भाई बहनों का गठबंधन शादी सामूहिक विवाह में करवा दिया इन्होंने। तो मुझे लगता है आज तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं आपके पास। आपने अभी एक बात बहुत अच्छी कही शर्मा जी, 50,000 किलोमीटर चलने वाले पत्रकार हैं आप, और मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने जमीनी पत्रकार के सामने आज मुझे डिबेट करने का मौका मिला। लेकिन एक सवाल तो ये भी उठेगा ना कि वो खोजी पत्रकारिता और वो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग कहाँ चली गई? देखिए पूनम पांडे की ढोल इंडिया गठबंधन का ढोल आप पीट रहे हैं या हम पीट रहे हैं? बिना कोई सर ये बताइए ना, हमने तो नहीं पीटा ना। एनडीए गठबंधन का ढोल क्यों नहीं पीट रहे? मैं तो ये पूछ रहा हूं, आप पीट रहे हैं ना सर कि हम टक्कर देंगे? सर आप पार्टियां इकट्ठी हुई हैं सर, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमने कम से कम अभी केवल 16 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की है और उत्तर प्रदेश में केवल 16 लोकसभा सीटें नहीं है। गठबंधन धर्म के अनुसार अभी हम कांग्रेस के साथ जो हमारी चर्चा चल रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी उतारे जाएंगे, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि हमने घोषित तो कर दी ना, क्या एनडीए की हालत इतनी बदतर है कि वो 16 में? चलिए मैं उनसे भी जवाब ले लूंगा। रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी से सवाल पूछिए सर। रोहित अग्रवाल जी, आपको लग रहा है कि आरएलडी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो पाएगा यूपी में? लगता है कि ये सवाल ही बेमानी है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो शायद भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रही है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और यहां पे दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या हो जाती है मलियाबाद के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था का ढोल लेके पीट रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी कि इनके गठबंधन के अंदर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने शिंदे ग्रुप के किसी नेता को गोली मार दी थाने के अंदर घुस के, पर भारतीय जनता पार्टी ढोल पीटती रहेगी इंडिया गठबंधन के अंदर फूट है उसके नाम पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अपने गठबंधन की कलाइयां खुल रही हैं, AIDMK कहां चला गया, अकाली दल कहां चला गया, उसकी चिंता इनको नहीं है, क्योंकि इनका तो तानाशाही गठबंधन है। जो हम दो हमारे दो लिस्ट जारी कर देंगे वो लिस्ट जारी हो जाएगी। अब तो हमारे गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी ने 16 कैंडिडेट भी घोषित कर दिए। कैराना किसको देंगे? आप लड़ेंगे सपा? जो लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं सर, कैराना आप लड़ेंगे सपा? जब आप हमने बिल्कुल आपके चैनल पे आके आपको बता दिया कि राष्ट्रीय लोकदल अपने सिंबल पे 7 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, और कौन कौन सी सीटों में होंगी वो जब हम कैंडिडेट घोषित करेंगे तो आपको तब वो भी पता चल जाएगा। आलोक जी, आलोक जी, टोपी आप लोगों को पहनाई जा रही है। आप लोग क्योंकि इनके गठबंधन पर सवाल उठाते हैं, ये कहते हैं कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। आपने तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन लिया, सबने कह दिया कि पहले बीजेपी अपने आप को देखे। मैं हमने तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा किया, हम तो अपने आप को देख ही रहे हैं। अरे सर आप लोग तंज मारते हैं ना कि इनका गठबंधन नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा इनका गठबंधन, इनकी बात ही नहीं मिलेगी सीटों को लेकर। अरे ये तो इनके इनके भीतर से इस तरीके की आवाज है वो नहीं है। ममता बनर्जी जी के कान में हमने थोड़ा ही कहा था कि कांग्रेस को कहीं दूर धक्का दे दीजिए, तो ममता बनर्जी जी ने कहा ना कि हम अकेले लड़ेंगे कांग्रेस या किसी दूसरे को, कोई उनका कोई साथ नहीं लेंगे। बिहार में जो कुछ हुआ उसमें हमने थोड़े कुछ किया। अरे कोई हमारे साथ आना चाह रहा है, इनका चेहरा आना चाह रहा है, तो इनको दिक्कत है ना साहब, हमको दिक्कत नहीं है। इनको पता है कि क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो तो बहुत पहले से निकल के आ रही है। 2014 के बाद आप आगे बढ़िए, 2017 में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था, और यह उस समय हुआ था 2017 में जब राहुल गांधी कंधे पे खाट लादे जगह जगह जा रहे थे। नतीजा क्या निकला बताने की जरूरत नहीं है।
तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन जीतेगा, कौन आगे बढ़ेगा, इनको गठबंधन बना ले। इस गठबंधन इसी तरीके से होता है क्या, जिस तरीके से बनाया जा रहा है? अचानक एक दिन अखिलेश यादव की तरफ से निकल के आता है कि ये सीटें हमने इनको दे दी, वो सीटें हमने उनको दे दी। कांग्रेस कह रही है कि भैया अभी हमको पता ही नहीं है हम कौन सी सीटों पर लड़ेंगे। जी चलिए, राजीव रंजन जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। राजीव रंजन जी, कैसे आकलन करेंगे अभी? ठीक है, देखिए जो तीनों पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो सब कह रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। जेपी शर्मा जी, देखिए गठबंधन अभी तय नहीं हो पा रहा है, सीटें अभी नहीं तय हो पा रही है, इसमें अभी समय भी है, थोड़ी जल्दीबाजी है अभी कहना। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले और उसके बाद जो दो राज्यों के चुनाव कांग्रेस ने जीती, तो राहुल गांधी को शायद ये भ्रम हो गया कि वो अकेले ही पूरे गठबंधन को लीड कर सकते हैं। इसी बीच में तीन राज्यों के चुनाव हार गए। अब स्थिति यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम्पल लीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक सीट लोकसभा में जीती है और तीन सीटों पर नंबर दो पर रही, यानी नियम के हिसाब से कुल चार सीटों पर दावेदारी कांग्रेस की बननी चाहिए, जो नियम होता कि नंबर एक नंबर दो। समाजवादी पार्टी अगर उसको 11 सीटें ऑफर कर रही है तो मेरे हिसाब से यह बिल्कुल उचित है, इससे ज्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस को शायद यह भ्रम हो गया है कि वह पूरे इंडिया में बिल्कुल बीजेपी के बराबर में खड़ी है, जबकि ऐसा कहीं है नहीं। इसी बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई, उनकी न्याय यात्रा शुरू होते ही आप देखिए जो राजीव जी देखिए अभी आपको नहीं लग रहा है, राजीव जी आपको नहीं लग रहा कि सपा ने एक तरफा फैसला सुना दिया? ठीक है, ये कह रहे हैं कि अभी तो बात बनेगी, हमने 16 पे ही उतारा है, लेकिन सपा ने एक तरफा आपको नहीं लग रहा है कि फैसला सुना दिया, अपनी 16 सीटें खुद से डिक्लेयर कर दी? ऐसा अभी क्योंकि किसी भी कांग्रेस नेता का बयान नहीं आया कि हमारी सहमति से सपा ने डिक्लेयर की सीटें। नहीं देखिए, ये निश्चित तौर पर सपा ने एक तरफा फैसला सुनाया है, लेकिन ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी के आगे कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है। और हमारे ख्याल से 11 सीटें जो दी गई हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उससे ज्यादा सीटों पे हकदार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक ठीक, प्रियंका जी सुना आपने? अरे भाई देखिए, इनको कहिए कि जाके जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं, ये थोड़ा बायस्ड ना हुआ कर, क्योंकि जनता भी देख रही है, जनता भी समझ रही है। अरे प्रियंका जी, तीन सीटों पर आप लोग नंबर दो रहती हैं, तीन सीटों पर 80 में, और आप उनको भाजपा का प्रवक्ता बता रही है? नहीं आप बात तरीके से करिए ना। अरे प्रियंका जी, वो तो आंकड़े बता रहे हैं ना आपको, आंकड़े तो यही है ना, आप बताइए आपके कितने विधायक कितने सांसद, आपको भी पता है ना सच्चाई? तो हमने फैक्ट बताया, आप काटिए मेरी बात को फैक्ट से। नहीं आप लोगों को कोई जवाब नहीं मिलता तो ये भाजपा के प्रवक्ता है यही बोलेंगी? कितनी हो चुकी है उस पर जरा, आपके पास कोई तर्क नहीं है तो कोई आरोप लगा दीजिए राजनीतिक विश्लेषक पे। भारतीय जनता पार्टी से क्या ब्रजभूषण को टिकट देंगे ये? क्या ये अजय मिश्रा टैनी को टिकट देंगे क्या? क्या इनसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं होगी? क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए इनसे कहिए चुप रहे, अपनी बारे में बोले और मेरी बारे में चुप रहे। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको डरी हुई नहीं दिखती? जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां वहां से क्या हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, कि वो सरकार जो एक दूसरे को आपको डरी एक दूसरे को एक हद तक बोलने के बाद उसके बाद भी एक दूसरे के साथ होने की कोशिश करे, तो भारतीय जनता पार्टी कितना नीचे जाए? अच्छा, आप यूपी में मजबूत हैं या नहीं ये बता दीजिए प्रियंका जी, इतना ही है आप यूपी में मजबूत हैं? क्या पड़ रही है आपको चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव जीतने के लिए? अब आपको पूरा सिस्टम खराब करना पड़ रहा है, आप अपने ऊपर दाग लेने को तैयार है? आप पूरी तरह से ईडी को कहां उतारे हुए हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये क्या जनता नहीं देख रही है? और आपको ऐसा क्या लगता है कि इतना किस चीज का घमंड है इनको? ये जनता अगर किसी को सत्ता में बिठाना जानती है तो उसको उतारना भी जानती है। आप कितना भी अति रख लीजिए, पर मैं कहती हूँ कि इस देश की जनता समझदार है और अपना हक मांग रही है। आज अगर हम न्याय की बात करने निकले हैं तो वोट नहीं मांग रहे हम जनता से, हम जनता को सिर्फ जागरूक करने का काम कर रहे हैं, हम जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप बीजेपी को अकेले हरा पाएंगे या नहीं प्रियंका जी? कांग्रेस हरा पाएगी? देखिए अगर हम गठबंधन में नहीं होते तो ये सवाल पूछा जाता, पर अगर हम गठबंधन में हैं तो ये सवाल बेबुनियादी है, इसका कोई मतलब नहीं।
जब हम गठबंधन में एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कर रहे हैं, फिर किसको आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी हम कितने कैंडिडेट उतारेंगे, कितने नहीं उतारेंगे, और उतारेंगे तो उनका नाम क्या होगा, किस पार्टी से होंगे, ये वो डिसाइड करेंगे। ये हमारा काम है, ये हम डिसाइड करेंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि इस देश में शिक्षा का बजट कम क्यों कर दिया गया है, उन महिलाओं को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया जो सड़कों पर। ये तो जवाब इनसे मांगेंगे, आपने ठीक कह दिया, लेकिन इन्होंने तो बहुत अत्याचार कर रखे देश में, तो इनके आप मतलब विदाई तो तय मान रहे ना, लेकिन फिर आप अकेले क्यों नहीं हरा पा रहे इनको? आप तो कह रहे माहौल बना हुआ है, तो आप अकेले क्यों? आप तो सपा के पिछलग्गू क्यों बन गए? जो सपा ने फैसला सुना दिया वो कर दिया आपने। आप ये बताइए, इनसे सवाल पूछा आपने, जब अकेले जीत रहे थे तो बिहार में काहे के? प्रियंका जी ये बता दीजिए ना आप, इतना खराब इन्होंने काम किया, आपने गिना दिया कि ये खराब कर रहे हैं, जनता इनके खिलाफ है, फिर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई? ये बता दीजिए गठबंधन क्यों जरूरत है आपको? साहब सवाल पूछिए उनसे भी जो सत्ता में बैठे हैं, हमने तो कह दिया हम गठबंधन के साथ है, हम तो कह रहे हैं। यही तो पूछे प्रियंका जी, क्यों? क्या कांग्रेस मजबूत नहीं है? कांग्रेस स्थिति में नहीं है बीजेपी को हराने की? में इसका तो जवाब दे दीजिए। कांग्रेस स्थिति में है या नहीं है इससे क्या मतलब है? आज हम गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन में ही ये चुनाव लड़ेंगे, हमने ये फैसला कर लिया। अब इसके बाद ये सवाल घुमा घुमा के पूछिए, ये जीरो बना के पूछिए, स्क्वायर में पूछिए, उससे मतलब नहीं है। मैडम आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, लंबे वक्त तक आपने देश पे हुकूमत की है, यूपी में हुकूमत की है, अगर आप ऐसे कहेंगे कि हम तो गठबंधन, तो बताना तो पड़ेगा कि हम आप खड़े कहाँ हैं अभी? अरे भाई हम गठबंधन के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो ये तो भाव नहीं दे रहे ना सपा वाले आपको? आपकी पूरी डिबेट इर्द गिर्द उसी के है कि गठबंधन टूट रहा है। डिबेट का टॉपिक ही यही है ना मैडम? अरे तो सवाल ये भी तो पूछिए कि क्या क्या इस देश की हालात है, इस देश में आप बताइए ना, शिक्षा का बजट अगर कम कर दिया जाएगा तो क्या सोच होगी उस गवर्नमेंट की, क्या विजन होगा उस गवर्नमेंट का जो शिक्षा को मतलब नहीं दे रही है, जो रोजगार पे बात नहीं कर रही है? आप बताइए जाके। आलोक जी आप जवाब दे दीजिए। आलोक जी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गठबंधन पे बात करना नहीं चाह रहे, इनको लग रहा है कि गठबंधन पे बात क्यों, क्योंकि गठबंधन बात बनेगी नहीं। आ रहा हूं मैं सपा की तरफ भी आ रहा हूं विवेक जी। नहीं, इनको पता है कि गठबंधन का क्या हाल होने वाला है, पहले तो गठबंधन बन जाए, अभी तो निकाह भी ढंग से नहीं हुआ, तलाक की नौबत आ गई है। रही प्रियंका जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल कर रही है, अरे प्रियंका जी सुन लीजिए, मैं बोल नहीं रहा, अरे तब भी आप, अरे और आपके ब्याह तो सबने देखे, गुस्से में क्यों है? अरे आप समाजवादी पार्टी से गुस्सा कीजिए ना साहब, आप उनसे गुस्सा कीजिए, हम फिर क्या नाराजगी है आपकी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, को आपने मजाक बनाया, इनको पानी वानी पिलाइए भाई, अरे इनको पानी वानी पिलाइए, थोड़ा 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 शांत रहिए, आपके पास सुन लिया, हम जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, इस देश ने देखा, आपको शर्म आती है? अरे मैडम जवाब ले लीजिए, अरे जवाब दे लीजिए, बताइए कि आप लोगों ने बेशर्मी का चोला ओढ़ रखा है साहब, क्या किया साहब हमने, क्या किया इसका जवाब भी ले लीजिए, सुन तो लीजिए। 2014 में जब हम आए तो हमने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और 2019 में एक बार फिर हम जनता के बीच गए, पिछले 5 सालों के काम को लेकर के हमने कहा कि हमको सबका विश्वास हासिल होना चाहिए, 2024 में हम फिर आए हैं ये कह करके कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी क्या है, हमने हालात है, अगर सड़क पानी बिजली पर वर्क हुआ है, अगर आम आदमी का चेहरा बदला है, उसकी सूरत बदली है, चले ठीक है मैं एक रिएक्शन विवेक पांडे जी आप लोग कह रहे हैं कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, ठीक है आपके गठबंधन पे हम चर्चा ना करें, सर जब मध्य प्रदेश में, ठीक है रुकिए आलोक जी रुकिए, मध्य प्रदेश में हमने थोड़े चर्चा करी थी, चर्चा तो आप लोगों ने कराई थी ना, आपने कहा कि पीठ में छुरा घोंपा गया, आपके अखिलेश यादव के लिए कहा गया कि अखिलेश वखिलेश क्या है, आज उसी के साथ है, तो चर्चा क्यों ना हो, क्यों ना गठबंधन पे चर्चा हो? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा इस पे भी होनी चाहिए कि बीजेपी की बीजेपी क्या अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, एनडीए क्या है, शर्मा जी एनडीए के बारे में क्या व्याख्या करेंगे आप, एनडीए में 38 पार्टियां
जो इसका घटक दल है, जिसमें कि पिछले 5 साल में 8 से अधिक पार्टियां टूट चुकी हैं, एनडीए का साथ छोड़ चुकी हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज तक एक डिबेट इस विषय पे नहीं हुई कि एनडीए के घटक दल छोड़ के